Hello guys, this is Naina Arora and I have already selected for the Infosys company. And अभी हम बेंगलोर से मैसूर जा रहे हैं जहाँ की मेरा चेक इन होएगा एंड आफ्टर दिन मेरा ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होएगा. और ये हसीन वादियों में से हम गुजर रहे हैं, कैब से आ रहे हैं. इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस. तो अभी हमारा चेक इन हो रहा है. इसमें से हमारे जो लगेजेस हैं वो इन्होंने स्कैन किए हैं और मेडिकल चेकअप किया है प्रॉपर. सो ये हमारे बैचमेट्स ही हैं जो हमारे बैच में ही ट्रेनिंग होने वाली है जिनकी. से हेलो अगेन. हाय. पहले ब्लर हो गया था. इट्स आवर रूम एंड इट्स नैना एंड इट्स आवर अलमीरा. It's our locker to keep secure our money and something else. And it's a washroom. Shower. And it's this. Gate, go outside from there. All about that. So रूम से फ्रेश होने के बाद हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकले हैं. इतना अच्छा यहाँ का वेदर है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. क्लाउड्स बिल्कुल नियर लगते हैं और इवन इस मैसूर में, इस कैंपस में इतनी ग्रीनरी है कि ऑलवेज फ्रेश 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 फील होता रहता है. और यहाँ का एरिया भी बहुत वंडरफुल है. तो ये है गाइज इन्फी कैंपस का वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कोर्ट, मैग्ना फूड कोर्ट. तो फर्स्ट टू डेज तो हमें समझ ही नहीं आने वाला है कौन सी स्टॉल से क्या खाने वाले हैं हम. यहाँ के वॉशरूम्स भी हम देखेंगे. प्योरली नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं एंड वॉशरूम्स भी ऐसे लगते हैं बहुत ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक वेरी ब्यूटीफुल. सो हियर्स माय बैग इन माय वॉशरूम एंड बहुत अच्छा वॉशरूम है. इट्स जस्ट ओके, लेट्स कम आउटसाइड फ्रॉम दैट वॉशरूम. इट्स द लेडीज वॉशरूम एंड इट्स अबाउट L1. गाइज यू कैन चेक, यहाँ पे बहुत सारी बाइसिकल्स भी खड़ी होती है. अगर आपको जाने की ज़रूरत है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो आप अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो. अदरवाइज बहुत सारे बाइसिकल्स होते हैं और इनमें बहुत टाइम के बाद मुझे ट्रेवल करने का मौका मिला बाइसिकल पे, बहुत अच्छा लगा. और फाइनली मैं GC2 से यहाँ पे मल्टीप्लेक्स आ रही हूँ और ये अम्ब्रेलाज कैबिन होता है. यहाँ पे अम्ब्रेला पिक एंड ड्रॉप होता है. सो आज के लिए हमारा ट्रेनिंग पीरियड ऑलमोस्ट डन हो चुका है. तो इंडक्शन रूम से अभी हम ECC अपने हॉस्टल्स में आ रहे हैं. तो साइकिलिंग करने का भी मौका मिलता है क्योंकि हेल्दी भी रहना होता है इनके एम्प्लॉयज को, इन्फी के एम्प्लॉयज को. तो मैं भी साइकिलिंग करती हूँ, साइकिल्स यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे. सो गाइज फाइनली वी कम बैक इन आवर रूम. सो इट्स आवर Day 2. सो टू डेज में मैंने जितना भी इस कैंपस को, इस इन्फी कैंपस को जितना भी विजिट किया मैंने इस ब्लॉग के थ्रू, वीडियोज के थ्रू आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रही. बट फिर भी इस वीडियो में मैंने जो भी विजिट किया सारा ये वीडियो में ब्लॉग्स हैं और आप देख भी सकते हैं. और टाइम टू टाइम जो भी विजिट करती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोज में ज़रूर अपडेट करती रहूँगी इफ आई विल हैव टाइम फॉर अपडेटिंग दैट. बिकॉज ट्रेनिंग पीरियड में बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग रहता है बिकॉज बहुत सुबह जाना और लेट नाइट आना. सो बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक्सप्लोर करना और ब्लॉग्स बनाना और पिक्चर्स क्लिक करना. फिर भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी. अभी हम GC2 गए थे और मल्टीप्लेक्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इन दैट इन्फी कैंपस, वहाँ पे हमने विजिट किया है. और जो जो भी मैंने विजिट किया है आपके साथ इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिया है. और इस वीडियो को लाइक
शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैसूर भी जो भी प्लेसेस रहेंगी इसी सेम चैनल पे मैं अपडेट करूँगी और विजिट करती रहूँगी. थैंक यू सो मच. एंड वन मोर थिंग, जो भी मेरे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हैं, इस वीडियो में भी अपने रिव्यूज देना मत भूलना. अपना कॉन्ग्रेट्स शेयर कर सकते हो, रिव्यूज शेयर कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.